नमस्कार, आपका आर किचन में स्वागत है। आज हम मूली का कुच्चा बनाने जा रहे हैं, जो कि ठंडा का दिन में बनता है। मूली का सीजन ठंडा में ही रहता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए। 1 किलो हमने मूली लिए हैं, उसे छील कर धो लिए हैं, धोकर कपड़ा से पानी पोंछ लिया है, फिर उसे कद्दूकस कर लेना है। अच्छा तरीक़ा से कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लेना है, निचोड़ कर। देखिए इस तरह से निचोड़ना है, निचोड़ कर पानी निकाल लीजिए। नहीं तो कपड़े में डालकर भी एक बार में सारा पानी निकाल सकते हैं। इस पानी से आप आटा गूँथ लीजिए, पानी मत फेंकिएगा मूली का। देखिए यह पानी निचोड़ कर इसे एक कठौती में रख लेना है। और इसमें अब सब मसाला मिलाएंगे। 15 से 20 लहसुन का कली, 10 से 15 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 नींबू, 1 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को दरदरा पीस लेना है, बगैर पानी का, पानी नहीं डालना है। देखिए इस तरह से पीस लेना है, ऐसे दरदरा ही रहना चाहिए, एकदम महीन नहीं करना है। अब इसको मूली कद्दूकस करके जो रखे हैं उसमें मिला। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा जो पीसे वो मिलाएंगे। फिर नींबू का रस मिलाना है। इसको पानी से बचा कर रखिएगा, पानी नहीं लगना चाहिए। अब देखिए नींबू का रस डाल देना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब जितना मिर्च तीखा खाते उस मुताबिक आप मिर्च डाल सकते हैं। अब हल्दी 1 चम्मच डाल देना है, इसे अच्छा तरीक़ा से मिलाना है। मिलाकर इसे 1 दिन धूप में रख कर इसको खाना चालू कर दीजिए। 1 सप्ताह तक आप आराम से रख के खा सकते हैं। ऐसे 15 दिन तक भी रहेगा या कुछ नहीं होगा, खाली पानी से बचा के रखिएगा। सूखा चम्मच से निकाल कर खाइए और धूप में रखिए, यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको थेपला के साथ, सादा पराठा, आलू के पराठा, दाल चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। देखिए यह बनकर तैयार हो गया है। मेरे चैनल पर थेपला का रेसिपी डाला हुआ है, आप उसे देखिए और बनाइए। उसके साथ मूली का कुच्चा एंजॉय कीजिए। यह खट्टा और तीखा चटपटा लगता है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।